नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह आपके साथ पीपीएन न्यूज पर। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में गालीबाज तहसीलदार राजू कुमार को सुनिए, महिला पर किस तरह भड़क रहे हैं, इन्हें बीपी की शिकायत लग रही है, किसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। रौनक और करो, अभी आधा घंटा लगेगा, उठ कर चले जाओगी आराम खोर कहीं की, आराम खोर कहीं की। कहाँ आप बारी देवल लाखा। प्रदेश में अचौक पे अचौक निरीक्षण हो रहे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक संत कबीर नगर पहुँचे। मंत्री जी के सामने मरीज जमीन पर लेटे हुए थे। सर यहाँ बच्चा सर मौसम जमीन से लेटा हुआ सर, कितने तो खाओ सर, अरे साहब भाई सर मौसम से बचाओगे आप जाओ, हम अस्पताल में भर्ती हो जाए बताओ सर, लगे सर बचे आप कब से यहाँ पर रखे थे, कब से कल लेके आए थे, कल वापिस कर दिए थे, आज लेके आए हैं। डिप्टी सीएम ने क्या कहा, बोले लेके आई हम भर्ती करा, आइए लेके जा रहे हैं भर्ती कराइए। कानपुर की लोकल सरकार नगर निगम का सदन, एमएलए अमिताभ वाजपेयी जब बोल रहे थे तब अधिकारी ने ताली बजा दी, उसके बाद तो महासंग्राम ही छिड़ गया। हजरत मखदूम शाह आला के 764वें उर्स पर लाखों ने अमन और मदरसों में हिफाजत की दुआएं मांगी। खान का है शर्फिया, खान का है रजिया, खान का है बरकतिया, सलासी है मजारात है अस्ताने हैं, तिरने मंदिर सभी सज्जादा मरहूम शाह उनकी अहलिया के लिए सवाब को फूल फरमा, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं इनके घर वाले रिश्तेदार जो भी दुनिया से जा चुके हैं, औला उन सबों के लिए सवाब को कबूल फरमा। परवरदिगार कितने यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने कोरोना पीरियड में अपने घर वालों का जनाजा उठाया होगा, महिले किराए उठे थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आक्रोश, लोगों और पुलिस में धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कई लड़कियां हुई घायल। मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात। श्रीनगर में लोगों और पुलिस में झड़प, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी। नंगे पांव जाना था उसको अपने गांव, खाकी से मिलकर फिर मुस्कुराई वो फरियादी बूढ़ी माई। एटा में बहू और बेटे द्वारा परेशान करने की शिकायत को लेकर आई भूखी वृद्धा को थाना जैथरा में तैनात आरक्षी पूजा व आरती ने पहले खिलाया खाना, फिर सुनी फरियाद, उसके बाद चप्पल पहनाकर घर तक छोड़ा। कानपुर में बाबूपुर और बागाही इलाके में रुपए लेन देन के विवाद में अधेड़ पर चाकू से हमला, हमलावर हुए फरार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे।
बुलंदशहर अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। पटाखे बरामद, एक आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की थी तैयारी, डिबाई पुलिस ने छापा मार कर किया खुलासा। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई को आज एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखों के निर्माण की सूचना मिली, जिसके क्रम में डिबाई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान डिबाई पुलिस द्वारा भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे, उसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में परिवहन विभाग की खटारा बसों की बड़ी लापरवाही आई सामने। यात्रियों से धक्का लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। धक्के के बाद रोडवेज बस हिलचाल, लालगंज कस्बे का पूरा मामला। पीलीभीत में तेज हवाओं और बारिश से उड़ा गरीब का आशियाना। तेज बारिश में पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी परिवार ने रात। कई दिन से हो रही बारिश की वजह से टीन पर गिरा था पेड़ गिरने से तहस नहस हुआ पीड़ित का कच्चा घर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो की जांच कराई जा रही, जांच उपरांत आवश्यक विविधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी अम्बुजा त्रिवेदी ने दी जानकारी। ये अभी अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है, वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस के ऊपर कुछ लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं नशे में। इसका संज्ञान लिया गया है प्रकरण का और जल्दी ही इस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी और उसके आगे अनुसार काम होगा। लखनऊ के काकोरी थाना में बिगाहू गांव में दो पक्षों में विवाद, एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुरानी रंजिश के चलते चले लाठी डंडे और धारदार हथियार से कई लोग हुए घायल। बुजुर्ग रामशंकर की हुई मौत। मौके पर एसीपी काकोरी सहित पुलिस बल मौजूद। क्षेत्र के मोहल्ला रामगंज में स्थित एक मकान को जुए के अड्डे के रूप में संचालित करने वाले 5 नफर अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी, जिसके संबंध में अधीक्षक कन्नौज ने दी जानकारी। थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में एक मकान के अंदर संगठित रूप से जुए के अड्डे को संचालित करने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई में 5 अभियुक्त इस गतिविधि में संलिप्त पाए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है और मौके से 2,75,000 रुपये, 1 हुंडई कार, 5 मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। संगठित रूप से मकान को जुए के अड्डे के रूप में संचालित कर रहे इन लोगों पर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में सपा नेता की संपत्ति हुई कुर्क। सपा नेता कैलाश यादव समेत 6 लोगों की कुर्की। भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर 4 करोड़ की चलाचल संपत्ति कुर्क
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद हुई कार्यवाही। सदर कोतवाली के तालाबपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस प्रकार से खबरें समाप्त।